कांग्रेस ना राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा तथा कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा द्वारा भाजप सरकार ने नीतियों विरुद्ध पत्रकार परिषद में आकरा प्रहारों करवामा आव्या। आज रोज कांग्रेस ना राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा यूपी ना लखीमपुर खीरी खाते यूपी नी भाजप सरकार ना मंत्री ना पुत्र द्वारा खेडूतों ने कार नीचे कचड़ी नाखवाना मामले भाजप सरकार नी मनमानी सामे शहर ना सर्किट हाउस खाते पत्रकार परिषद में सरकार ने घेरी आक्षेपो कर्या हता। पत्रकारों साथे नी वातचीत में तेमने बीजा अन्य मुद्दे भाजप सरकार नी नीतियों पर आकरा प्रहारों कर्या हता। तेमने जणाव्युं हतुं के भीतर से एक विसल ब्लोअर एक्ट भी होता है। भीतर से अगर कोई कर्मचारी अधिकारी आरोप लगा रहा है कि ये पैसा लीगल फीस के नाम पे दिया गया, अमेजॉन कंपनी ने क्या किया, जब ये आरोप लगे तो उन्होंने एक वकील को तो छुट्टी पर भेज दिया और उन्होंने कहा हम भी आंतरिक जांच कर रहे हैं। तो जब तक इस बात की निष्पक्ष न्यायिक जांच हमारे देश में नहीं हो तब तक वो नाम सबके सामने नहीं आएंगे कि किसने लिए। भीतर से आवाज उठी है, हमने और आपने तो, किसी पत्रकार ने तो नहीं बोला, किसी नेता ने भी नहीं बोला। अगर कंपनी के अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच बनती है, क्योंकि उसका नतीजा आपके सामने है जिस तरह से व्यवसाय बंद हो रहे हैं। और ये वही FDI इन रिटेल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, अभी अमित भाई मुझे बता रहे थे, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब किसी और जबान में बात करते थे, अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो FDI इन रिटेल ना केवल चल रहा है, जो कंपनी चला रही है वो आपके अपने सरकार में बैठे हुए ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को रिश्वत भी दे रही है और आप होने दे रहे हैं, आपकी नाक के नीचे ये कांड हो रहा है। अच्छा खेरा जी, जब भी ऐसे चुनाव आता है कुछ भी होता है तब ऐसे एक बड़ी रकम का एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, जैसे रफाल में होता है। रफाल में आपने बोला कि इतने करोड़ का घपला हुआ, लेकिन आप उसका कोई कानूनी आपने कुछ दावा वगैरह कुछ नहीं किया, तो इस पे आपका क्या? कानूनी कार्रवाई करने का काम उनका है जो ऊंचे पदों पर आज सरकार में बैठे हैं। रफेल की आपने बात की, फ्रांस की सरकार ने तो जांच बैठा दी। हिंदुस्तान जिसके यहां से पैसा गया, जिसका नुकसान हुआ, उस सरकार ने जांच नहीं बैठाई। जिसको पैसा मिला वो जांच बैठा रहा, फ्रांस को मिला ना रफेल में, और जिसका पैसा गया वो जांच नहीं बैठा रहा। ये अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात। तो जिसको इसमें न्यायिक जांच बैठानी चाहिए, हमने क्या कहा था रफेल में कि JPC मतलब बैठाई है, JPC बैठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई ये सरकार। तो ये बात, ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा, लेकिन गलत आदमी से पूछा। उनसे पूछिए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है। जिस तरह से ये आपने अमेज़न के पूरा जो मुद्दा उठाया है कि लाच दी गई है भारत में किसी बड़े आदमी को, अमेरिका ने तो इस बाबत के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन भारत अभी तक शुरू नहीं कर पा रहा है, क्या कहेंगे, इसमें कौन कौन शामिल है, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह नहीं है कि बिना किसी सबूत के कोई नाम ले ले। इसीलिए हम चाहते हैं, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की हैसियत से हम ये मांग करते हैं कि एक न्यायिक जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, असली चेहरे बेनकाब हो। अमेरिका जांच बैठा सकता है, हिंदुस्तान नहीं बैठा सकता। 14 करोड़ रोजगार यहां गए, छोटे व्यापार यहां बंद हो रहे हैं, जांच अमेरिका में बैठ रही है। 14 करोड़ तो कोविड में कितने गए? यह भी आंकड़ा बहुत जरूरी है, हमने पार्लियामेंट में भी यह सवाल रखा तो जवाब आया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो NDA जिसकी ये सरकार है उसका फुल फॉर्म है नो डेटा अवेलेबल, उनको आंकड़े ही नहीं होते। कितने किसान मरे बोले नो डेटा अवेलेबल, कितने बेरोजगार हुए नो डेटा अवेलेबल, कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे नो डेटा अवेलेबल। तो अब आज के बाद NDA का आप ये अर्थ समझ लीजिएगा। लेकिन आपने तो निकाला होगा। देखिए, हमारे तो गैर सरकारी आंकड़े होंगे, आप भी भरोसा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन आप जैसे कई लोग हैं नहीं करेंगे। तो आंकड़ों का काम सरकार को ईमानदारी से सामने रखने चाहिए। आज कोविड की ही बात हो, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आप रैंडम सर्वे करके पूछ लीजिए किस किस ने अपने परिवार या अपने मित्र को गंवाया है, आपको जवाब मिल जाएगा, आंकड़ा यही मिल जाएगा। लेकिन सरकार आपको आंकड़ा नहीं देगी। आज न्याय यात्रा हमारे अमित भाई चावड़ा और पूरी कांग्रेस कर रही है गुजरात, पूछिए इनसे कितना हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कितने लोग गए, कितने लोगों ने अपने लोगों को गंवा दिया,
पवन जी, करप्शन की बात चल रही है तो पनामा पेपर के बाद पैंडोरा पेपर, और उसमें बहुत जो कांग्रेस मानती है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जब तक जांच नहीं होती इस पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। पिछले 20 मिनट में लखीमपुर खीरी पे कोई सवाल नहीं आ रहा, शाहरुख खान पे सारे सवाल आ रहे हैं। कारण, किसानों की समस्या, खेडूत की समस्या, आज ये लोग भी धरना कर रहे हैं हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 4 बजे बरोड़ा। ये बहुत गंभीर है कि एक इतने बड़े तबके को हिंदुस्तान के 60% हिंदुस्तान किसानी पर निर्भर करता है, 10 महीने से वो किसान हर तरह का मौसम उसकी मार झेलते हुए बैठे हों, उनका चरित्र हनन किया जा रहा हो, उनको देश विरोधी कहा जा रहा हो, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा हो, और अब उनको बैठने का भी अधिकार नहीं है, उन पर एक SUV से उनको रौंद के मार दिया जा रहा हो, तो मुझे लगता है इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी है जो संवाद में विश्वास नहीं रखती, जो विवाद पैदा करती है। सर, ये विवाद कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ही बोल रहा है, उसका कब और कैसा फैसला? मैं बैठा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरी अध्यक्ष पूर्णकालिक है या नहीं है? मेरी तो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, मेरे काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, G23 यहाँ तो एक चैनल भी मैंने देखा था, G24। बात G23 की नहीं है, बात है कि सबको बोलने का हक है, बोलें। मैं कांग्रेस पार्टी को पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं, एक लक्ष्मण रेखा हर परिवार और हर पार्टी में होती है। मेरे घर में कोई विवाद हो तो मैं पड़ोसी की छत पर जाकर खड़े होकर चिल्लाने लगूं, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं अपने ही घर में ये बात रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं, मुझे भी कई बार आपत्ति होती है कुछ निर्णयों से, मैं भी चिट्ठी लिख देता हूं अपने नेताओं को या अपॉइंटमेंट लेकर बात कर लेता हूं। और तो ये बड़े बड़े लोग हैं G23 वाले, इनको कौन रोकता है? जिस दिन चाहेंगे मिल सकते हैं हमारे बड़े नेताओं से, मिलें और बात करें। सर, फिर जिस दिन फिर ऐसा बोलने के बाद जब जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर पर जब प्रदर्शन किया, उस दिन क्या दूसरे? अच्छा सवाल है आपका। नहीं सुनिए तो सर, दूसरे मॉर्निंग में फिर वो गए थे मॉर्निंग वॉक पे? मॉर्निंग वॉक पे गए थे, पूछो उनसे, आज भी गए होंगे, तभी तो इतने फिट हैं सिप्पल साहब हमारे। देखिए, गुस्सा जायज है हमारे वर्कर्स का, हम लोग पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, कोई सड़कों पर कर रहा है, कोई स्टूडियोज में कर रहा है, अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे संघर्ष कर रहा है। तो जो संघर्ष कर रहा होता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको बुरा लगता है जब उसके नेता इस तरह से सार्वजनिक रूप से विवाद पैदा करते हैं। बेरोजगारी के बाद की, भ्रष्टाचार के बाद, तो कांग्रेस जनता को ये विश्वास क्यों नहीं दिला सकती, कहां पे फेल गई? अपने भ्रष्टाचार के बाद की, बेरोजगारी के बाद की, तो जनता को ये क्यों गले नहीं उतार सकती? देखिए, जनता को बिल्कुल समझ में आ रहा है, फेलियर नहीं है। विपक्ष किसके माध्यम से बोलता है, विपक्ष की आवाज कौन जनता तक पहुंचाता है? आप लोग, आप लोगों पे हमारी एक निर्भरता है, और हमेशा विपक्ष में कोई भी हो, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी, वो भी आप ही पर निर्भर करेगी। कम से कम गुजरात का मीडिया मुझे बड़ा पसंद इसलिए है कि आप हमारी बात को मुखर तरीके से रखते हो, हमें आप ब्लॉक नहीं कर देते हो जैसे राष्ट्रीय मीडिया कई बार कर देता है। तो हमारी आवाज आप है, अगर आप कहेंगे हम फेल हुए तो हम दोनों फेल हुए। नहीं, आपको जो जमीन पे आंदोलन करना चाहिए वो न्याय यात्रा, मैं आपको बता रहा हूं कर रहे हैं। आज 4 बजे खेडूत का ये कहना बड़ा, आप सुबह 3:30 बजे मुझे बताइए, कल या आज सुबह 3:30 बजे विपक्ष का कौन सा नेता लखीमपुर खीरी के बॉर्डर पे खड़ा था, मुझे आप नाम बताइए। प्रियंका गांधी, फिर कहते हो कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहां नहीं है, मैं चाहता हूं ये पूछना कि मीडिया कहां है। तो माफ करना दोस्त, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, फिर गलत आदमी से पूछ लिया। आपस में पूछिए कि हमारी बात बाहर तक क्यों नहीं जा पाती, हमारी बात पहुंचाने वाले आप लोग हैं। सर्वे सर्वा अगर लोकतंत्र में विपक्ष के लिए कोई है तो वो मीडिया है। सर, 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी भी है, तो कांग्रेस कैसे कोले क्या होना चाहिए आपके हिसाब? इस सरकार के चलते मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो होगा नहीं, लेकिन हाँ हम संघर्ष करेंगे इनकी, इन पर दबाव डालने के लिए। आप जांच तो बैठाइए, कुछ तो करिए। अब आप देखिए, परमवीर सिंह मुंबई का पुलिस कमिश्नर, आज पढ़ते हैं कि रशिया भाग गए, कभी हुआ है ऐसा?
56 इंच की सरकार की नाक के नीचे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, परमवीर सिंह नाम गिनते चले जाओगे भाग गए। तो ऐसी सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? अब उम्मीद तो गुजरात की जनता से है हम सबको। सर दो सवाल है मेरे। एक तो ड्रग्स में शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया है, देश में ये ड्रग्स का कारोबार जो बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू? पिछले हफ्ते अमित भाई और मैंने अहमदाबाद में भी ये प्रेस वार्ता की। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 9 जून को 2021 को 25 टन ड्रग्स आए और पकड़े नहीं गए और देश भर में फैल गए। ये दोहरी मार होती है। हमारे नौजवान पीढ़ी को तबाह करने के लिए ये ड्रग्स भेजे जाते हैं हमारे पड़ोसी देशों द्वारा। ये कंधार के ही रास्ते से आए थे, पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और दूसरी मार क्या होती है? वो ड्रग्स बेचकर जो पैसा अर्जित किया जाता है वो आतंकी गतिविधियों में हमारे ही देश के खिलाफ उपयोग होता है उस पैसे का। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स के तस्करों को ऐसा क्या लगाव है कि बार बार ड्रग्स इसी रास्ते से पूरे देश में फैल रहे हैं? आपने एक पकड़ लिया, वो भी कोई सुनियोजित तरीके से सब एजेंसीज ने मिलकर पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक का पद पिछले 18 महीने से खाली है, पूर्णकालिक महानिदेशक है ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती तो एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तुरंत बना दिया होता, क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आपको सरकार से पूछने होंगे। अब आप एनसीबी को खुदरा पॉलिटिक्स में उपयोग करोगे कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, पकड़िए जिसने गलत किया उसको पकड़िए, लेकिन जहां से ये खेप आई है उस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है निर्णय लेने की, सबसे बात करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। कुछ लोगों को निर्णय पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। जैसा घर परिवार में होता है वो बात अपनी व्यक्त करने की उनको स्वतंत्रता है। यहाँ भी मैंने देखा था हमारे गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के आंसू हमने भी देखे थे। तो ये कह देना भारतीय जनता पार्टी जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं साहब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम पूछते हैं उत्तराखंड क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? तीन तीन मुख्यमंत्री आप बदल देते हो क्या? गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है? पूरा कैबिनेट बदल देते हो क्या? अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट नहीं था? तो जब आप करते हैं तो कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है। जब हम करते हैं तो आप अजीब सी बातें करते हैं। ना मैं ले सकता हूं, ना अमित भाई ले सकते हैं। ये निर्णय एक हमारी CWC होती है, CWC में तय होता है कि अलायंस होना चाहिए नहीं होना। हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है, कुछ राज्यों में हम मजबूत हैं, कुछ में नहीं है इतने मजबूत। तो फिर उस वक्त उस राज्य के महासचिव से जवाब तलब किया जाता है, चर्चा की जाती है, उसके विचार लिए जाते हैं और फिर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए प्रभारी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन प्रभारी अगर जब बन जाता है तो राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में फिर वो एक दरवाजा होता है, प्रभारी का दरवाजा। अब जब प्रभारी जब तक नहीं है तब तक सैकड़ों दरवाजे खुले हैं। हमारे भत्तू भाई जब चाहें आकर वहां बात कर लेते हैं कि भाई ये हो रहा है, गायकवाड़ साहब जब चाहते हैं वो आकर बता देते हैं साहब ये हो रहा है। तो कई दरवाजे खुले हैं, सबकी बात सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि गुजरात के विषय में लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, ज्यादा लोगों की बात सुनी जा रही है। लेकिन बहुत जल्द ये निर्णय आपको साझा करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।